हेलो फ्रेंड्स, सो हम लोग आज बात करेंगे कि ऑनलाइन कोचिंग जो है, ऑनलाइन लर्निंग जो है, वो ऑफलाइन से बेटर क्यों है, या इन एन एब्सोल्यूट सेंस ही ऑनलाइन कोचिंग ज़्यादा अच्छा क्यों है। देखिए, अब ये जो डिजिटल एज है, डिजिटल लर्निंग की एज है, इसमें बहुत ही जल्द जो भी हमारे डिजिटल वेज हैं, सभी चीज़ों पे कॉन्कर कर रहे हैं। शॉपिंग में आप देख लीजिए, ऑनलाइन शॉपिंग आ गया है, ऑनलाइन फिटनेस कोचिंग आ गया है, ऑनलाइन डांस ट्रेनिंग आ गया है। इसी तरह हम लोगों के जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज हैं, ये भी जो है ऑफलाइन कोचिंग को रिप्लेस कर रहे हैं, क्लासरूम कोचिंग को रिप्लेस कर रहे हैं। इसका बस एक ही जो डिसएडवांटेज आप बोल सकते हैं, वो ये है कि इसमें सेल्फ मोटिवेटेड होना स्टूडेंट का बहुत ज़रूरी है, खुद का डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप खुद मोटिवेटेड हैं कुछ सीखने के लिए, नई चीज़ को जानने के लिए, तभी आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। अगर आपको हमेशा कोई एक एक्सटर्नल पुश चाहिए, हमेशा कोई इंसान चाहिए जो आपको कहता रहे कि पढ़ लीजिए, कर लीजिए, तब आपके लिए ऑनलाइन कोर्सेज बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। लेकिन अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कुछ अपने आप से करने के लिए, आप अपने आप, आपके अंदर वो आग है कि हाँ मुझे करना है, तब आप ऑनलाइन कोचिंग आपके लिए बहुत प्रेफरेबल है। इसके कई फ़ायदे हैं, जिसमें कि फर्स्ट जो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है, वो ये है कि इसमें टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है। आप किस टाइम पढ़ते हैं, आप कितना टाइम पढ़ते हैं, एक दिन में कितने घंटे आप पढ़ाई को देना चाहते हैं, आप कहाँ से पढ़ाई करना चाहते हैं, आप ट्रैवलिंग के टाइम पे पढ़ना चाहते हैं या घर में पढ़ना चाहते हैं, आप किसी शांत जगह में, कैफ़े में पढ़ना चाहते हैं, इसकी आपको पूरी पूरी फ्रीडम है। ऑफलाइन कोचिंग में, क्लासरूम कोचिंग में ये फ्रीडम आपको नहीं रहती है। उसमें क्या होता है कि आपका क्लासरूम का डिसाइड टाइम जो है, लर्निंग का जो टाइम है, वो प्री डिसाइडेड है। उसी टाइम में जाके आपको क्लासरूम में आपको अपनी क्लासेस अटेंड करनी है, अपना कोर्स का कंटेंट अटेंड करना है। अगर आप वो मिस कर देते हैं तो वो आपका लॉस है। ऑनलाइन लर्निंग में ये लॉस नहीं है, क्योंकि आपके पास हमेशा जो है एक्सेस है लेक्चर्स के लिए, हमेशा पढ़ने के लिए स्कोप है। आप एक चीज़ कभी, जिस दिन वीडियो अपलोड हुआ है उस दिन नहीं भी पढ़ पाते हैं, तो कभी बाद में अपना जो भी सोर्स है, यूट्यूब है, जो भी है, उसको खोल के वो वीडियो देख सकते हैं। फिर दूसरा एडवांटेज ये है कि आप अपने पेस से चल सकते हैं, जो आपकी स्पीड है उसके हिसाब से सीख सकते हैं। ऑफलाइन लर्निंग में क्या है कि जो टीचर पढ़ा रहा है, उसको पूरे क्लासरूम को देखते हुए अपनी स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें स्लो लर्नर्स भी हैं, फास्ट लर्नर्स भी हैं, ऐसे बच्चे भी हैं जिसने पहली बार टीचर ने जब फॉर्मूला बोर्ड पे लिखा उनको समझ आ जाता है, वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें जब तक 5 क्वेश्चन टीचर सॉल्व करके नहीं दिखाता है, उनको समझ में नहीं आता है। तो जो टीचर है वो अपनी जो नॉर्मल स्पीड है, वो सब बच्चों को देखते हुए रखता है। इसमें ऐसा आपका टाइम वेस्ट भी हो सकता है, अगर आप फास्ट लर्नर है आपका टाइम वेस्ट होता है, अगर आप स्लो लर्नर है तो कई चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको समझ में नहीं आएंगी, पर बाकी लोग क्योंकि समझ जाते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको भी आगे बढ़ना पड़ता है। ऑनलाइन लर्निंग में ये एडवांटेज है कि आप अपने पेस से पढ़ सकते हैं। अगर आप धीरे पढ़ना चाहते हैं, आप एक वीडियो को 4 बार देखना चाहते हैं, आप 4 बार देख सकते हैं, और अगर आप फास्ट लर्नर हैं तो फटाफट वीडियो को देख के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर तीसरा एडवांटेज ये है कि अगर आप वर्किंग हैं, आपके पास ऑलरेडी कोई जॉब है, आपकी फैमिली है, आपके पास और भी कुछ मतलब इन्वॉल्वमेंट है, तब भी आप ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू अपना स्टडी जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कई बार हम लोगों ने देखा है कि जो बच्चे गेट की तैयारी करते हैं, UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी हायर स्टडीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका यही प्रॉब्लम रहता है कि कोचिंग को कॉलेज के साथ मेंटेन करना, कर पाना बहुत टफ हो जाता है, दोनों साथ में मैनेज नहीं हो पाते। इस वजह से उन्हें हमेशा ही कॉलेज के बाद कुछ ड्रॉप करके, 1 साल 2 साल ड्रॉप करके फिर प्रिपरेशन करनी पड़ती है, जिससे कि आपका करियर में एक थोड़ा स्लो हो जाता है, स्टार्ट होने में थोड़ा डिले होता है। तो अगर आप ऑनलाइन लर्निंग को परस्यू करते हैं तो इस डिले की ज़रूरत आपको नहीं है। आप कॉलेज के साथ साथ ही, अपने कॉलेज के पढ़ाई करते हुए ही साथ साथ में ऑनलाइन लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, और
मे बी अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन, थोड़ी सी मेहनत, अगर आप इनपुट अच्छा देते हैं तो फाइनल ईयर के साथ साथ ही आप अपना गेट क्लियर भी कर सकते हैं, कोई भी एग्ज़ाम जो देना चाहते हैं वो क्लियर भी कर सकते हैं। तो जो ऑनलाइन लर्निंग है इसमें आपको थोड़ी सी फ्रीडम मिल जाती है कि आप और भी अगर कोई इन्वॉल्वमेंट है उसके साथ साथ भी अपना इसको परस्यू कर सकते हैं, पढ़ाई को कर सकते हैं। फिर जैसे ऑनलाइन टीचिंग में क्या होता है, आपका वन ऑन वन इंटरेक्शन होता है टीचर के साथ। क्लासरूम में आपका जो है बहुत सारे बच्चे रहते हैं, पूरा क्राउड रहते हैं, तो आपका टीचर के साथ वन ऑन वन इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ऑनलाइन टीचिंग में आपका जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा रहता है, आपको डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं। क्लासरूम में डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं, टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बीच में आप ब्रेक भी लेंगे, आपका कम्यूटेशन में भी टाइम जाएगा आने में जाने में, फिर कुछ बीमार हो गए, टीचर बीमार हो गया, आप बीमार हो गए, वो सब जो टाइम है आपका ऑनलाइन लर्निंग में बच जाता है। फिर जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो ये है कि जब आप क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, तो अगर कोई भी किसी के भी डाउट्स हैं आपको वो सारे अटेंड करने पड़ेंगे। ऐसा हो सकता है कई बार कि वो डाउट्स आपके लिए इररिलेवेंट थे, बेनिफिशियल नहीं थे, लेकिन क्योंकि आप एक क्राउड के साथ पढ़ रहे हैं तो आपको सबके साथ ही पेस बनाते हुए चलना पड़ता है, उसमें जो है आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है ना। आप कभी कभी नहीं भी चाहते हैं, वो चीज़ें भी आपको अटेंड करनी पड़ती है। कोई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपको आते हैं, आपको समझ में आते हैं, आप नहीं वो पढ़ना चाहते हैं, फिर भी क्योंकि आप क्लास मिस नहीं कर सकते, दो चार टॉपिक्स और मिस हो जाएंगे, तो आपको क्लास में जाना पड़ता है, वो पढ़ने पड़ते हैं। ऑनलाइन लर्निंग में आपको ये एडवांटेज है कि आपको कोई टॉपिक्स अगर पता है कि ये मुझे क्लियर है, मुझे अच्छे से आते हैं, आपको उनमें टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, आप वो पार्ट स्किप कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। फिर जो है क्लास की जो कॉस्ट है, जो टोटल कॉस्ट है, वो ऑनलाइन लर्निंग में इफ़ेक्टिवली बहुत बहुत कम है। अच्छा इंटरनेट कनेक्शन आजकल सभी लोगों के पास होता ही है, तो जो कॉस्ट है वो बहुत कम आ जाती है। थोड़ा सा कम व्हाट्सएप, थोड़ा सा कम फेसबुक यूज़ करके यूट्यूब को किसी अच्छे काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो ऑफलाइन कोचिंग से कॉस्ट है वो मिनिमम 2-3 times आपको कम लगेगी, और आपकी जो लर्निंग है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। आपके जो नोट्स हैं वो अपने हैंडमेड नोट्स होंगे, वो यूनिक नोट्स होंगे, क्योंकि कोई भी आपको डिक्टेट नहीं कर रहा है, आप खुद लेक्चर को देख के समझ के उसके नोट्स बना रहे हैं। प्लस आपको जो है एक वाइड अवेलेबिलिटी होती है एक्सपर्ट्स की, क्योंकि ऑनलाइन अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसे कुछ कमिटमेंट नहीं है कि आपको एक ही टीचर से पढ़ना है, एक ही जगह से पढ़ना है। आपको कुछ नहीं समझ आता है, आप 2-3 अलग जगह से उसको देख सकते हैं, अलग जगह से पढ़ सकते हैं और अपना जो रिज़ल्ट है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। पर इसमें बस जो एक दिक्कत है वो यही है कि आपका जो डिसिप्लिन है, आपका जो मोटिवेशन है, वो कोई भी और नहीं देगा। कोई भी और आकर आपका होमवर्क चेक करने वाला नहीं है, आपने कितना कंप्लीट किया है, कोई भी ट्रैक रखने वाला नहीं है। तो इसमें ज़रूरत ये है कि आप अपने आप को खुद से मोटिवेटेड रखें, खुद से ये बात समझें कि हमें ये सीखने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है, हमारा करियर है, हमारे फ्यूचर के लिए क्या ज़रूरी है। और उसके बाद अगर आप ऑनलाइन लर्निंग को सीरियसली परस्यू करते हैं तो इससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन कोई भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही टाइम सेविंग है, प्लस बहुत ही इफ़ेक्टिव वे ऑफ लर्निंग है। तो अगर आप हम लोगों के जो लेक्चर की सीरीज़ है, हम लोग UGC नेट के लिए, गेट के लिए, कंप्यूटर साइंस एंड वी स्टार्टिंग अदर ब्रांचेस ऑल्सो, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, सो जिससे कि कोई भी नई वीडियो अगर हम लोग अपलोड करते हैं तो उसका अपडेट आपको मिल जाए। थैंक यू।